वेलकम टू चाणक्य क्लैट क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। अभी तक हमें इतना समझ में आ गया कि कैसे एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म होता है कि ऑफर में जैसे एक्सेप्टेंस मिलता है उस ऑफर को, वो बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन फुलफिल हो रहा हो वो बन जाता है हमारा अग्रीमेंट। अब वो सारे अग्रीमेंट्स जो इनफोर्सेबल बाई लॉ है वो हमारा बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तक हमें इतना समझ में आ गया कि कैसे एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है। अब हम समझेंगे कि कैसे एक जनरल से कॉन्ट्रैक्ट को क्या क्या वो एसेंशियल्स चीज़ें हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो बहुत एसेंशियल्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, ठीक है। हमारा अभी तक कॉन्ट्रैक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब हम समझेंगे कि वो क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो एक जनरल से कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेंशियस है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ओके, व्हाट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस? एज वी ऑल नो दैट ऑफर और एक्सेप्टेंस हमारा सबसे इनिशियल स्टेज है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट के फॉर्म होने का, ठीक है। तो जब इनिशियल्स ही नहीं होंगे तो फिर किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट की तो बात ही नहीं होगी। दैट्स वाई ये सबसे इनिशियल हो जाता है, दैट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सबसे इनिशियल है, सबसे एसेंशियल्स हैं, क्योंकि वो सबसे इनिशियल पॉइंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म होने का, ठीक है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड एसेंशियल इज लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। अब लॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या? मतलब ये कि कोई भी कंसिडरेशन आप अपने प्रॉमिस में ऐड कर रहे हो, जो भी आपने ऑफर दिया और उसका एक्सेप्टेंस हुआ, उस ऑफर एक्सेप्टेंस के बीच में जो प्रॉमिस फॉर्म हुआ और प्रॉमिस फॉर्म होने की वजह से जो कंसिडरेशन हुई दोनों पार्टी की तरफ से, उस कंसिडरेशन को लॉफुल होना इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि आप एक कॉलेज के यूनिवर्सिटी के बच्चे हो और आप ए हो, ए ने बी को एक लीक्ड पेपर दिया, ठीक है, लीक्ड पेपर, और उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें लीक्ड क्वेश्चन पेपर दूंगा, तुम उसके बदले मुझे 10,000 रुपीज़ देना, ठीक है। यहाँ पे जो लीक पेपर था और जो 10,000 रुपीज़ थे, दोनों पार्ट के कंसिडरेशन क्या थे? अनलॉफुल थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक इलीगल एक्ट है, एक रॉन्गफुल एक्ट है जो कि अनलॉफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक अनलॉफुल कंसिडरेशन फॉर्म हो रहा है जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो दिस इज वाई एक लॉफुल कंसिडरेशन का होना इम्पॉर्टेंट होता है, और लॉफुल कंसिडरेशन हमारा वही है जो हम इम्पोर्सिबल बाय लॉ है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड हो गया हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल जो हमने लिया था लीक्ड पेपर का, तो उसी लीक्ड पेपर में सपोज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? लीक्ड पेपर जब मैं दे रही हूँ किसी को और मैं उससे पैसे ले रही हूँ, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ही गलत हुआ ना। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए, इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव, वो लॉफुल होना चाहिए। ओके, फोर्थ वन, कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टी मतलब क्या? कॉम्पिटेंट से ही समझ में आ रहा है हमें, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मीन्स एलिजिबल, ठीक है, कि कौन कौन से लोग हैं जो इस एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए, एक पार्टी जो पार्ट बनने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट का एलिजिबल होते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज 18+, ठीक है। वो पर्सन मेजर होना चाहिए, माइनर को, माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है, वॉइड एब इनिशियो। उसके एक्सेप्शन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, बट जनरली जो है माइनर के साथ अग्रीमेंट मतलब वॉइड। तो फर्स्ट वन हो गया हमारा मेजर, ठीक है, कि वो जो भी पर्सन है जो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने जा रहा है वो मेजर होना चाहिए। सेकेंड है हमारा, एनी आइडिया क्या हो सकता है सेकेंड? कमेंट में जरूर बताइएगा आपके अकॉर्डिंग सेकेंड क्या लग रहा है, ठीक है। चलिए, सेकेंड हो सकता है, सेकेंड है हमारा आपको साउंड माइंड पीपल, ठीक है। अनसाउंड नहीं होना चाहिए, वो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। ओके, थर्ड वन हो गया हमारा आपको एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ये हमारा हो गया फोर्थ एसेंशियल्स। फिफ्थ एसेंशियल हमारा फ्री कंसेंट। ओके, फ्री कंसेंट में 5 चीज़ें दी गई हुई हैं और कहा गया है दैट अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म होने में, अग्रीमेंट को फॉर्म होने में अगर ये 5 चीज़ें के नहीं हैं तो ही आपका कंसेंट फ्री माना जाएगा। दैट इज कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ओके, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे फ्री कंसेंट के ब्रीफ के बारे में। ओके, बाय बाय।